आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। श्री आनंद पंजवानी जी, श्री किशोर स्वामी जी, आलोक गुरु जी, बसंत रोगेल जी, घनश्याम पटेल जी, रविंद्र अग्रवाल जी, राजेश त्रिवेदी जी, शिव शंकर स्वामी गुप्ता जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, राम जी एन सिंह जी, वही लोग आएंगे, अजीत तिवारी जी, अरे भैया पढ़ने पर वो भी यूं ही नहीं कि बस बुला लिया और बोलने लगे, आवश्यकता पड़ने पर सत्य तथ्य हम लोग कहते रहते हैं तो वो सत्य तथ्य कहा जाता रहेगा। बंधुओं, हमने गुरु जी का खूब अनुशीलन किया और हम ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि अंधश्रद्धा कर रहे, विचार करके ही करते थे। अभी हमने आपको बताया श्लोक के बारे में, हमने एक एक चीज पूछा गुरु जी से, जब तक कन्विंस नहीं होते थे हम लोग प्रश्न करते चले जाते, अगर कन्विंस न कर पाए तो कल के लिए छोड़ देते, लेकिन आप हमको पहले सहमत करिए, हमारी बुद्धि में बैठाइए और नहीं तो हम नहीं मानेंगे, ये हम लोगों की घोषणा थी और हमारे गुरु जी इसको पसंद करते हैं। ये बात सही है, ये अंधा नहीं है, ये आंख वाला है, इसीलिए इसको सही रास्ता बताना चाहिए, प्रयास करते थे, कहीं पर कोई प्रमाण मिले तो बाद में ला करके फिर वो देते थे कि देखो उस समय ये नहीं बताए थे, ये गलत कहने की ताकत रखते हैं, यही तो हमारी न्याय की कुर्सी का तकाजा है, नहीं तो क्या तकाजा। अगर हम इस न्याय की कुर्सी पर बैठ करके चेहरा देखने लगे, रंग देखने, राष्ट्र चंडिका नाम का एक अखबार है, रास्ते में हमको पढ़ करके हमारे गुरु भाइयों ने सुनाया है, उसमें लिखा हुआ है कि अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कुछ बोलेंगे इस बारे में, और जिस ब्राह्मण सभा ने उस समय कुछ नहीं बोला उनको जवाब देंगे। हम कहते हैं ब्राह्मण सभा को बोलने की जरूरत ही कहाँ पड़ी, बोलने वाला तो खुद ही जो है पानी पानी हो गया, क्योंकि बोलते ही उनको पता चल गया कि मेरे मुंह से अच्छा नहीं निकला, और जब ये एहसास हो गया उन्होंने सुधार लिया तो अब इससे ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सबकी अपनी प्रतिष्ठा होती है और हम किसी की प्रतिष्ठा को कम करने के पक्षपाती नहीं हैं, बढ़ाएं तो बढ़ाएं, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ा सकें तो अच्छा है, किसी की प्रतिष्ठा घटाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी और का हो तो हो वो कोशिश कर ले, हम अपने मुँह से आलोचना निंदा के शब्द बोलते नहीं हैं, अपने काम को सही रखते हैं और अपनी बात को सही रखते हैं, वो हम लोग रखेंगे। और हम सब अगर सिवनी का जो धर्माचार्य है, आप बताइए सिवनी जिले से कौन ऐसा धर्माचार्य है जो महाराज सिंह से आगे निकल गए, हिमालय की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई पर महाराज सिंह जाकर के खड़े हो गए, इसका मतलब है कि हिमालय के को भी छोटा कर दिया उन्होंने, हिमालय को छोटा करना ऐसा कहना अच्छा नहीं है, हिमालय की भी अपनी महिमा है, लेकिन सच्चाई यही है कि महाराज श्री ने अपने समय में सनातन धर्म का को जो ऊंचाई दी, कौन है आप बताओ ना जिसने सनातन धर्म के बारे में इतना कार्य किया हो और इस तरह से अपने जीवन को समर्पित किया, जो महाराज श्री की याद दिलाती हुई चारों तरफ गूंजती रहे, और इसलिए सिवनी से निकलने चाहिए सनातन धर्म की बात, शिरडी से नहीं सिवनी से निकलनी चाहिए। तो ठीक है, अब अंधेरा छा गया, अब हम यहीं पर विराम ले रहे हैं, एक मौका नहीं है, हम समझते हैं अनेक मौके आएंगे जब अपने लोग आपस में मिलकर के चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही, आप सब के लिए अपने हृदय का जो शुभ भाव है वो अभिव्यक्त करते हुए हम वाणी को विराम देंगे। उससे पहले हमारे जो महाराज श्री के जीवन से जुड़े हुए कुछ खास लोग थे उनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं, श्री शंकराचार्य सेवा सम्मान, तो हमारी इच्छा है कि कम से कम 1008 खास लोगों का सम्मान तो हम कर ही दें, वैसे तो लाखों उनके लोग थे, तो उनके सिवनी में जो नाम हमको याद है, हमको लगता है कि हाँ ये महाराज श्री के जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, उनके नाम हमने कुछ लिख रखे हैं, वो आपको सुना देते हैं, उनके जो स्वयं होंगे अथवा उनके जो वंशज होंगे
वो उनका सम्मान यहाँ से ग्रहण करेंगे। और अभी सांसद जी आए हैं, इनका भी प्रवचन होगा, और भी जिसको आप बुलाना चाहते होंगे बोलेंगे। सभा समाप्त नहीं हो रही है, हम नाम पढ़ दे रहे हैं। पंडित हरि प्रसाद द्विवेदी जी जो यहाँ पर हमारे पीठ पंडित जी हैं, इनके पिताश्री थे, वो भी गौरव थे शिवनी के। उनके श्री कोमल प्रसाद तिवारी जी अभी दोनों नहीं रहे हैं, अगर उनके पुत्र संतान या कोई हो तो वो लोग इनका सम्मान लेंगे। राजेंद्र नेमा क्षितिज और अंबिका प्रसाद जी मिश्र, गार्गी शंकर मिश्र, विमला वर्मा जी, ठाकुर हरवंश सिंह जी, अजित तिवारी, सागर उपाध्याय, आशा सनोड़िया जी, अनुराग त्रिपाठी और एक रजवाड़ा वाले हैं, उनका नाम हम जानते नहीं हैं, प्रमोद शर्मा दल सागर वाले, आर के विश्वकर्मा जो अब नहीं रहे हैं, रजनीश सिंह जी, संजय भारद्वाज जो अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं, राजा वगैरह, दिनेश राय मुनमुन, पप्पू खुराना, नरेश दिवाकर और रामजीन सिंह जी, प्रशांत त्रिपाठी, सखाराम डहरिया और नवीन मालू के भाई यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कुछ नाम जो हमको याद थे, एक मानक चंद सनोड़िया थे जो आशा सनोड़िया जी के दामाद थे, अब नहीं रहे वो, और सनत कुमार उपाध्याय जी, ये कुछ नाम हमको याद थे। तो इनको यहाँ से सम्मानित किया जाएगा, ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी उनके नामों का उच्चारण करेंगे। कांग्रेसी हैं आप, ये बताइए ये कांग्रेसी शब्द जो है ना, आज गाली है थोड़े दिन से, इसके पहले कभी गाली नहीं रहा, ये भी ध्यान दिया। कभी कांग्रेसी शब्द इज्जत का प्रतीक था इस देश में, क्योंकि कांग्रेसी स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे और कांग्रेसियों को पूजा जाता था इस देश में। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, इस तरह के कविताएं बनती थी, जगह जगह उनके स्मारक बनते थे, नोट पर छाप दिया गया कांग्रेसी को। आज भी हमको उसी नोट पे देख रहे हैं, किसी समय कांग्रेसी होना इज्जत की बात होती थी साहब, आज आपने गाली बनाया है, कितने दिन तक गाली रहेगा पता नहीं है। लेकिन जिसने जो योगदान किया उस योगदान को कैसे आप भुला दोगे? अगर हमारे गुरुजी महाराज ने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा तो उस समय स्वतंत्रता का संग्राम कांग्रेस वाले लड़ रहे थे और कोई दूसरा नहीं था तो कांग्रेसी कह ले, इसी के कारण तो कहते हो। और क्या किया उन्होंने? कांग्रेस पार्टी के अनुसार का एक काम हमारे गुरुजी का कोई बता दे सभा के अंदर खड़ा होकर के, हम तुरंत झुक जाएंगे उसके सामने। जो लोग हमारे गुरुजी को कांग्रेसी कहते हैं वो कांग्रेस से मिले रहते हैं। ये कांग्रेसी कहना कहां से शुरू हुआ? जब हमारे गुरुजी महाराज ने अयोध्या में 194 फुट दूर शिलान्यास हो रहा था और दौन कर रहा था, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुआ था और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उसका गृह मंत्री बूटा सिंह, दोनों दाऊदयाल खन्ना उसका नाम था विधायक का, और बूटा सिंह जो गृह मंत्री था, ये दोनों बैठ करके शिलान्यास कर रहे थे और हमारे गुरु जी उसका विरोध कर रहे थे। अगर कांग्रेस पार्टी होते तो वो भी जाके वहीं बैठ के शिलान्यास करवाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये करवा रही थी और दाऊदयाल खन्ना ये कर रहा था। हमारे गुरु जी पर हमको गर्व है कि उन्होंने कहा कि अगर इस समय हम चुप रहे तो जैसे काशी में और मथुरा में अगल बगल मंदिर मस्जिद बन गया है, ऐसे ही अयोध्या में बन जाएगा। इसलिए कोई मेरी कितनी भी निंदा करे, मैं भगवान श्री राम के मंदिर को राम की जगह पर ही बनाने के लिए आंदोलन करूंगा, और किया उन्होंने। गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रभाव कल यहाँ सुनने में रहेगा और परसों यहाँ से वे वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। जिन लोगों को दर्शन करना हो तो समय प्राप्त करके आप लोग दर्शन वार्ता और मंत्र इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। अरे
जनपुर शंकराचार्य भगवान का आज